प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की आहार अनुदान योजना के तहत लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त भी जारी की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर झाबुआ में आदिवासी समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को भगोरिया की शुभकामनाएं। भगोरिया से पहले मुझे आपके चरणों में विकास परियोजनाओं को समर्पित करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है, उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार करने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है।